वेलकम बैक ये है गेट 2008 का क्वेश्चन दो मार्क्स के लिए लेट्स रीड द स्टेटमेंट एज्यूम दैट ई इज इक्वल टू एक्स प्लस इज द इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू द कंटेंट्स ऑफ लोकेशन एक्स विद एक्स इंक्रीमेंटेड बाय वन वर्ड लेंथ आफ्टर द इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड यानी कि ये जो नोटेशन है ई इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स प्लस यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस क्या है लोकेशन एक्स में जो भी सेव्ड है वो इफेक्टिव एड्रेस है वो डेटा नहीं है वो इफेक्टिव एड्रेस है और दूसरी बात एक्स कोई लोकेशन है यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्स पॉइंटर है या एक्स किसी मेमोरी लोकेशन की तरफ इशारा कर रहा है ओके okay. मींस इस लोकेशन एक्स पर जो सेव्ड है वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस है और वहां से इफेक्टिव एड्रेस फेच करने के बाद हम x को इंक्रीमेंट करके अगली लोकेशन पे पॉइंट करवाएंगे यानी कि अगर तो x के बाद प्लस लिखा हुआ है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है यानी कि डेटा फेच होने के बाद इंक्रीमेंट होगा अगर ये प्लस x के पहले लिखा हुआ है यानी कि प्लस ब्रैकेट x है तो हम पहले इंक्रीमेंट करेंगे उसके बाद एड्रेस फेच करेंगे जैसे कि यहां पर ओके मीन्स फॉर एग्जाम्पल मेमरी में ये आपकी लोकेशन एक्स है ओके okay. अब प्लस ब्रैकेट एक्स यहां पे क्या होगा सबसे पहले तो हम एक्स को इंक्रीमेंट करके यानी कि एक्स को इंक्रीमेंट करके यहां पे पॉइंट करवाएंगे फिर यहां से फेच करेंगे फेच क्या करेंगे इफेक्टिव एड्रेस मैं दोबारा से वो लाइन पढ़ता हूं क्वेश्चन की ए इज इक्वल टू एक्स प्लस इज द इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू कॉन्टेंट्स ऑफ लोकेशन एक्स यानी कि इस लोकेशन एक्स के जो कॉन्टेंट्स है, है वो है इफेक्टिव okay. एड्रेस दो नोटेशन है ये भी आपको समझ आ ही रही होंगी ये है पोस्ट डिक्रीमेंट ये है प्री डिक्रीमेंट यानी कि इसका मतलब है सबसे पहले आप लोकेशन एक्स पे जाके इफेक्टिव एड्रेस फैच कर लोगे और उसके बाद x को डिक्रीमेंट कर दोगे यानी कि x एक लोकेशन पीछे पॉइंट करेगा ओके okay. एनीवेज हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं पूरी नेक्स्ट लाइन है ई ए इज इक्वल टू माइनस एक्स इज द इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू कॉन्टेन्ट्स ऑफ लोकेशन एक्स विद एक्स डिक्रीमेंटेड बाय वन वर्ड लेंथ बिफोर द इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड ए इज इक्वल टू ब्रेकेट एक्स माइनस इज द इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू कॉन्टेंट्स एक्स विद ड्रीमेंटेडर इज कैल की यही चार नोटेशन इनकी डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है नेक्स्ट इज द फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑपकोड सोर्स डेस्टिनेशन यानी कि ये है आपका ऑपकोड यहां पे फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो है सोर्स और दूसरा ऑपरेंट जो है वो है डेस्टिनेशन मतलब कि आप इन दोनों ऑपरेंट को एड करवाने के बाद जो रिजल्ट सेव कराओगे वो दूसरे ऑपरेंट में है यानी कि जैसे आप लिखते हो एड आर वन कॉमा आर टू तो यहां पर आर वन आर में जो भी वैल्यूज हैं उनको ऐड करवाने के बाद आप रिजल्ट इस ऑपरेंड में सेव कराओगे बिल्कुल वैसा ही है यहां पर भी द फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑपकोड सोर्स डेस्टिनेशन विच मीनस सोर्स ऑपरेंड सॉरी सोर्स ऑपरेटर डेस्टिनेशन इज सेव्ड इनटू डेस्टिनेशन Using X as a stack pointer, which of the following instructions can pop two elements from the stack, perform the addition operation, and push the result back onto the stack? Okay, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखो कि इन instructions के बिना अगर हमने stack के top two elements को pop करवाके add करवाना हो तो हम कैसे करेंगे? यानी कि आपका जो X है वो इस समय point कर रहा है top of the stack को तो सबसे पहला ऑपरेशन जो आप करवाओगे वो होगा पॉप ओके पॉप के बाद एक्स को आपको एक्सप्लिसिटली डिक्रीमेंट करना पड़ेगा यानी कि एक्स अब पिछले एड्रेस को पॉइंट करवाए यानी कि एक्स माइनस माइनस एक्स एक पिछले एड्रेस को पॉइंट करवा रहा है और ये सिक्स यहां से पॉप हो गया अब आप क्या करोगे एक और पॉप करोगे इतने में आपके टॉप टू एलिमेंट्स पॉप हो गए सिक्स और नाइन आपके पास आ गए अब आप इन्हें वेरिएबल्स में सेव करवा के ऐड कर लोगे यानी कि अगली इंस्ट्रक्शन होगी सिक्स कॉमन नाइन तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा फिफ्टीन नाउ यू नीड टू बी केयरफुल केयरफुलर यहां पे एक पॉप करवाया और एक्स को डिक्रीमेंट कर दिया अब दूसरा पॉप करवाने के बाद इस जगह पे एक्स को डिक्रीमेंट मत करना क्योंकि अगर आप एक्स को डिक्रीमेंट करके यहाँ पे पॉइंट करवा दोगे यानी कि इस लोकेशन पर उसके बाद एनी आपको रिजल्ट तो यहीं पे ही रखना है ना तो अगर आपने डिक्रीमेंट करवाया होगा तो आपको इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा क्योंकि हर समय ये एक्स टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करेगा तो इससे अच्छा यही है कि आपने पहला एलिमेंट जो है वो यहां से पॉप किया दूसरा यहां से पॉप किया और उसके बाद आप x को डिक्रीमेंट ही ना करो बिकॉज रिजल्ट पुश करने के बाद भी तो उसे इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा ना तो x को आप यहीं पर ही पॉइंट करता रहने दो ओके यानी कि यहां पे x माइनस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है और अगर आप लिखोगे तो ये एड करने के बाद जो रिजल्ट पुश होगा उसके बाद x प्लस प्लस भी लिखना पड़ेगा ओके अब यहां पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या गिवन है एड ब्रैकेट एक्स माइनस तो सबसे पहले क्या होगा मान लो स्टैक पर अभी है सिक्स एंड नाइन तो ये रहा सिक्स ये रहा नाइन एंड एक्स पॉइंट टू दिस एलिमेंट तो आपने लिखा एड एक्स माइनस यानी कि सबसे पहले एक्स की वैल्यू फैच होगी यानी कि एक पॉप होगा और इस माइनस की वजह से एक्स एक एलिमेंट नीचे पॉइंट करेगा यानी कि डिक्रीमेंट हो जाएगा तो एक्स यहां पॉइंट करेगा और ये okay. अब है अगला जो है, वो है एक्स ब्रैकेट एक्स यानी कि यहां पे कोई प्लस माइनस या पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट कुछ नहीं लगा हुआ तो आप सिंपली इस नाइन को पॉप कर दोगे और एक्स यहीं पे ही पॉइंट करता रहेगा यानी कि सबसे पहले हुआ पॉप उसके बाद हुआ x माइनस माइनस इस माइनस की वजह से उसके बाद दोबारा से हुआ पॉप इसकी वजह से और अब आप कोई प्लस माइनस या कुछ भी नहीं करोगे बिकॉज इस ब्रैकेट एक्स के साथ कोई भी साइन नहीं लगा हुआ ओके उसके बाद आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाओगे यानी कि ऐड करवाओगे ओके और अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसी लोकेशन पर यानी कि दूसरे ऑपरेंड में ही आपने रिजल्ट सेव करवाना है तो ऐड करने पे हमें मिलेगा 15, 15 कहाँ पे सेव होगा एक्स लोकेशन पे यानी कि यहां पे। जो हमें चाहिए था वही हो गया यानी कि टॉप टू एलिमेंट्स को हमने पॉप किया फिर उन्हें ऐड किया और रिजल्ट को टॉप पर पुश कर दिया और एंड में एक्स बिल्कुल सही जगह पॉइंट कर रहा है यानी कि यह टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट कर रहा है तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली एक ही बात थी कि यहां पे जब आपने टॉप एलिमेंट को पॉप किया यानि कि को पॉप किया तो एक्स को एक बार डिक्रीमेंट करोगे यानी कि शुरू से शुरू से देखो सिक्स को पॉप किया और एक्स को डिक्रीमेंट किया उसके बाद आपने नाइन को पॉप किया होना तो ऐसा चाहिए था कि एक्स को डिक्रीमेंट करके यहां पे ले बट क्योंकि हम दोबारा यहां पे ही रिजल्ट सेव करवाएंगे तो इसे डिक्रीमेंट करके इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे तो अच्छा ये रहेगा कि कुछ भी मत करो एनी आंसर आ गया ए पार्ट